Yes, good morning students. This is part first, part third, electromagnetism. Unit first, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इस तरह से अदिश की प्रवणता हम निकालते हैं और प्रवणता का जो फार्मूला होता है प्रवणता निकालने का, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, वो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई करके निकाल सकते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। उसको समझने के बाद में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ग्रेडियंट को समझने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि आपको ग्रेडियंट निकालना है लॉगरिथम आर का, ln r log r, और प्रूव करना है इसका जो ग्रेडियंट होता है वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आता है, जहाँ पर आर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। सॉल्व करने के लिए हम निकालना क्या है टर्म्स जो है वो आती है, इसमें से हम सिर्फ एक्स रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे और जो आएगा उसी तरह सिमिलरली इसको रेस्पेक्ट टू वाई और रेस्पेक्ट टू जेड भी हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट निकालने के लिए हम ये एक्स कंपोनेंट इसका निकाल लेते हैं, ये है आपका डी बाई डी एक्स लॉग आर, उसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स लॉग आर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। वेक्टर आर ये गिवन है और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, इसको पावर के फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग है यहाँ पर पावर है भी, फार्मूले से पावर पीछे आ जाएगी तो हम ऐसे कह सकते हैं हाफ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लॉग एक्स का अगर हम अवकलन करें तो ये आता है हाफ वन अपॉन एक्स, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो इंटू टू एक्स टू से टू कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अगर हम डी बाई डी वाई निकालेंगे तो आर का ये आएगा वाई अपॉन आर स्क्वायर, और डी बाई डी जेड लॉग आर निकालेंगे तो ये आएगा आपका जेड अपॉन आर स्क्वायर। तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर अपन रखें ग्रेडियंट ऑफ रो बार इक्वल्स टू एक्स आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई जे अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड के अपॉन आर स्क्वायर, ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर सेम आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया आपका वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ग्रेडियंट ऑफ ln r वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर।
मान लो कोई भी आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर e प्लस एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड, वेक्टर क्वांटिटी ई एक्स ए वाई और ए जेड कॉन्स्टेंट्स हैं और जी के यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और हमको उसके प्रूव करना है कि ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर इज इक्वल टू वेक्टर। इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं कि आपका वेक्टर आर होता है, होता है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के, जहाँ एक्स वाई जेड आई जी की यूनिट वेक्टर्स हैं। ए या वाई सबसे पहले हम ए डॉट आर लिखा लेंगे, ये आएगा एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ई जेड ई, और डॉट प्रोडक्ट एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के, डॉट है आई डॉट आई वन होगा, आई डॉट जी जीरो हो जाएगा, आई डॉट ई जीरो, जी डॉट आई जीरो हो जाएगा, जी डॉट जी वन आएगा और ई डॉट ई वन आएगा, इसके अलावा ये सारी चीज़ें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ए एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड। अब हम ग्रेडियंट निकालते हैं ए डॉट आर का, ये आता है हमारे पास आई डी बाई डी एक्स प्लस, या हम इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर, ग्रेडियंट को पार्टीशन कोड में जो डेल संकारक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस डेल संकारक की वैल्यू जो है वो पार्टीशन कोऑर्डिनेट्स में होती है, आई डी बाई डी एक्स प्लस जी डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड, और ये ए डॉट आर की वैल्यू जो है वो यहाँ से लिख देते हैं। अपन के पास आइए यहाँ पे डी एक्स एक्स प्लस डी वाई वाई प्लस जेड जेड, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो आई ए पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई एक्स इंटू एक्स प्लस ई वाई इंटू वाई प्लस ई जेड इंटू जेड प्लस जी डी बाई डी वाई ई एक्स एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू जेड प्लस ई डी बाई डी जेड ई एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जेड। इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वाई इंटू वाई एक्स पे डिपेंड करते ही नहीं है तो ये जीरो आ जाएगा, ए जेड इंटू जेड दोनों का भी जीरो ही आएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ वेरिएबल x है यहाँ z है और ए जेड ए वाई और x ये कॉन्स्टेंट है, केवल x का ही निकलेगा क्योंकि ए एक्स तो नंबर है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, केवल x का करेंगे x ऑफ वन आ जाएगा, यहाँ से हमको केवल ई एक्स एक्स का वन हो जाएगा ई एक्स बच जाएगा यहाँ पर, जब ई एक्स का करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से एक्स मल्टीप्लाई होगा जीरो आ जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ वाई के सापेक्ष करेंगे तो इन दोनों का ही जीरो आएगा, ई जेड जेड का भी जीरो आएगा, वाई वेरिएबल है यहाँ सिर्फ ई वाई का जीरो आएगा, सिर्फ वाई बचता है वाई का वन आएगा, तो यहाँ पर भी आपको बच जाएगा जी ई वाई प्लस यहाँ जेड के सापेक्ष करना है तो ई एक्स एक्स का जीरो आएगा, ई वाई वाई का जीरो आएगा, क्योंकि ई वेरिएबल यहाँ जेड है तो जेड पर डिपेंड करते नहीं है, सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी तो सिर्फ जेड का निकलेगा जो वन आएगा, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा ई जेड इंटू ई, आपका क्या वेक्टर। इस प्रकार हमने प्रूव क्या किया है कि
root of A dot R जो है वो आपका आ रहा है वेक्टर फील्ड के बराबर। इस तरह से हमने ग्रेडिएंट की दो तीन न्यूमेरिकल समझ करके कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सदिश का प्लस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होते हैं, कर्व क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स।